EMF 2 volt internal resistance are available to produce heat and external resistance by passing current through it. अब देखो ये भी मैक्सिमम पावर से ही है, टू आइडेंटिकल बैटरी है, ये एक प्लस है एक माइनस है। बैटरी आप EMF 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ये EMF E है, ये भी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सीरीज में कनेक्टेड है, आर अवेलेबल टू प्रोड्यूस द, क्योंकि अगर मैं इनको ऐसे नहीं कनेक्ट करूँगा, अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट करूँगा तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई करंट वरेंट नहीं फ्लो होगी। द करंट फ्लो थ्रू इट, द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डेवलप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, यहाँ पर रेजिस्टेंस R है और इसके यहाँ से जब करंट जाएगी तो इसके पर मैक्सिमम पावर कितना इस सर्किट में कंज्यूम होगा, उस पावर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम पावर लिख ही लेते हैं। तो पावर इज इक्वल टू होता है आई वी या आई स्क्वायर आर, दिस इज द पावर। आई इस सर्किट में करंट आ जाएगा, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो ईएमएफ टू टाइम्स ई और नेट रेजिस्टेंस आर प्लस टू आर, दिस इज द करेंट इन द सर्किट। तो इसको मैं ले जाकर रख दूंगा तो जनरल पावर आ जाएगा, जनरल पावर इज इक्वल टू टू टाइम्स ई एम एफ कैपिटल आर प्लस टू आर, दिस इज द स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय, दिस इज द जनरल पावर। ये एक जनरल पावर इक्वेशन है जब रेजिस्टेंस आर है। हमें ये नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम होता है ये आपको पता होना चाहिए। पावर विल बी मैक्सिमम जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो ये जो चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए, वी मस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 दिया हुआ है तो पावर मैक्सिमम होगा, हाँ पावर विल बी मैक्सिमम व्हेन, मैं लिख दूं व्हेन आर प्लस आर इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो आर प्लस आर, वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू से यहाँ 2 आ गई और यहाँ से अगर देखोगे जनरलाइज में तो 2R इज इक्वल टू कैपिटल R, तो यहाँ से R की वैल्यू कैपिटल R बाई 2 आ गई। ये तो या ये जब सिचुएशन होती है उस समय सर्किट में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है और ये हमें यहाँ लाके रखना पड़ेगा। तो ये एक जनरल पावर इक्वेशन था। तो मैक्सिमम पावर के लिए मैं यहाँ से अब अप्लाई कर देता हूँ तो 2 टाइम्स EMF और कैपिटल R प्लस 2, स्मॉल R की वैल्यू कैपिटल R बाई 2 आ जाएगी और इसका स्क्वायर कर दूं और कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया, दैट इज़ 4 EMF स्क्वायर और दैट इज़ 4 R स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई R। तो ये 4 ने 4 को ख़त्म कर दिया और ये R ने ख़त्म, R यहाँ बच गया, तो फाइनली जो है वो EMF स्क्वायर अपन R। तो EMF की वैल्यू दी हुई होगी क्योंकि हमें पावर निकालना था, दिस इज़ द मैक्सिमम पावर, तो EMF की वैल्यू दी होगी 2 और R की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करके आए 2। तो फाइनली जो EMF 2 का स्क्वायर और R की वैल्यू उधर हमने 2 लिखा है, तो फाइनली ये 2 वाट पावर कंज्यूम होगा और ये इस सर्किट का मैक्सिमम पावर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से, दैट इज़ 2 वाट। तो कुल मिला के हम लोगों का जो सोल्यूशन है दैट इज़ बी ऑप्शन सही है।